गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज टाइम आ गया है मेरा यकतरीनबर्ग को छोड़ने का। अभी मैं मेरे होस्ट के घर पे ही हूँ, सामान सारा पैक हो चुका है, वो वाला बैग एंड वो वाला बैग। और जो मेरी अगली मंजिल होने वाली है नोवासिबिर्स्क, और नोवासिबिर्स्क से जो मंगोलिया का बॉर्डर है वो लगभग 300 किलोमीटर रह जाता है। Yes. Bye bye. Bye bye. Have a good travel for you and good after stop today. Спасибо for everything. Пожалуйста, не за что. Bye bye. Bye bye. तो अब चल रहे हैं भाई। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, पहले बस पकड़ूंगा, बस पकड़ के सिटी से बाहर जाऊंगा, और सिटी से बाहर निकलने के बाद हम स्टार्ट करेंगे आज की हिच हाइकिंग। अगर आप कभी भी हिच हाइकिंग कर रहे हो तो मैं दो तीन टिप्स देना चाहूंगा आपको। एक तो अपने मोबाइल में हमेशा ऑफलाइन मैप डाउनलोड करके रखें। गूगल भी ऑप्शन देता है लेकिन गूगल के जो ऑफलाइन मैप हैं वो लिमिटेड है। इससे अच्छा आप एक ऐप आती है maps.me करके, उसको डाउनलोड कर लीजिए। और उसमें आप, अब जैसे मैं रशिया में यकतरीनबर्ग एरिया में हूँ, तो अब मैं यकतरीनबर्ग एरिया का जो मैप है वो डाउनलोड कर सकता हूँ, जो मेरी अगली डिस्ट्रिक्ट है उसको डाउनलोड कर सकता हूँ, पूरे कंट्री के मैप को भी डाउनलोड कर सकता हूँ, और वो ऑफलाइन रहेगा। देखो GPS बिना मोबाइल नेटवर्क के भी काम कर लेता है कई बार, लेकिन अगर आपके पास मोबाइल नेटवर्क या इंटरनेट नहीं होगा तो आपके जो ऑनलाइन मैप्स है वो काम नहीं करेंगे, और उसके कारण से फिर आपको बहुत दिक्कत हो सकती है। लेकिन अगर आपके मोबाइल में ऑफलाइन मैप्स हैं तो आप बंदे को समझा सकते हो कि भाई हाँ मुझे यहाँ पर जाना है। आप एक जगह का नाम पता चल गया तो उसे आपको काफ़ी आसानी हो जाएगी, आपको डायरेक्शन पता लग जाएंगे कि भाई आप किधर जा रहे हो, आपको किधर जाना है, कहाँ पर आपको गैस स्टेशन मिल जाएंगे जहाँ से भी लिफ्ट लेने में आसानी हो जाएगी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें हिच हाइकिंग करते टाइम ध्यान में रखनी चाहिए। अब जैसे मैं मैप्स के यूज़ से उस बस स्टॉप पर पहुँचूंगा जो एकदम हाईवे के ऊपर है, और फिर वहीं से मेरी आज की मैं हिच हाइकिंग स्टार्ट करूँगा। यकतरीनबर्ग से नोवासिबिर्स्क 1600 किलोमीटर है, और लाइफ में ये पहली बार होगा कि मैं हिच हाइकिंग के थ्रू एक ही कंट्री में टाइम जोन चेंज करने वाला हूँ। एक्सक्यूज मी, इज देयर एनी नियर बाय कैफे? कैफे कैफे так вам нужно स्ट्रेट да да यस यस ओके यू आर फ्रॉम हियर откуда откуда да Yekaterinburg यस хорошо like सिटी इज хорошо да अभी मैं रोड पे चल रहा था और ऐसे स्ट्रेंजर मिल गए, उनके साथ बातें करने लग गया। कई बार मैं क्या करता हूँ, मेरे को अगर रास्ता भी पता होता है ना तो मैं जानबूझ के लोगों से बात करता हूँ, एक इंट्रैक्शन बनता है यार। द ब्लॉगर भाई आ गया हूँ मैं सिटी से बाहर ट्रांस साइबेरियन रोड पर। यही रोड आगे व्लादिवोस्तोक जाएगा, नोवासिबिर्स्क, ओम्स्क, जितने भी साइबेरिया के शहर हैं या फिर साइबेरिया से भी आगे। रशिया का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रोड है ये, मॉस्को को साइबेरिया से कनेक्ट करता है। लेकिन यार मेरे पास वो कार्डबोर्ड नहीं है, अगर कार्डबोर्ड होता तो और आसानी हो जाती, उसमें सीधा लिखता मैं नोवासिबिर्स्क। लेकिन कोई नहीं यार, हाय हाय। मेरा पॉइंट जहां से मैं हिच हाइकिंग स्टार्ट करने वाला हूं, हाथों को रेडी कर रहा हूं भाई। It's been a long time. बाकी रशिया में हिच हाइकिंग को आफ्तोस्तो बोलते हैं, और रशियन कल्चर में आफ्तोस्तो बहुत कॉमन है, बहुत ज़्यादा। रशियन हिच हाइकर फेमस है इस चीज़ के लिए।
ये रोकेगा क्या भाई? नियत Thank you. Спасибо. Where are you from? India. Oh. Yeah. So guys, दिन की आज मुझे पहले lift मिल गई है. Спасибо. You blog? Blog कर दा. I'm too. Really? Yeah. What's your name of your blog? Alex. Alex. Dipanshu. And blog name? Blog Nemia. Active motorcycles. Active? I'm not a tourist. You're a tourist? Yeah. Хорошо. Where are you going? Mongolia. Whoa! Да. Cool. Thanks a lot. So guys, दिन की मुझे आज पहले lift Alex भाई ने दी है. आप कहाँ थे? Yekaterinburg city. Yekaterinburg city. Yeah. I speak English not very well, a little. My Ruski Chocho. Beating hearts don't lie. An empty page, a story to write. I'm in love, you're divine, and it's all in our signs. We're going away. It's Ural or Siberia? Yeah, да, дальше еще хуже, там вообще Сибирь будет. Алтай. Алтай? Да, Монголия. Да. Урал, Сибирия, Алтай, Монголия. Yeah. Алтай хорошо? Mountains? Я позапрошлом году был там. Бहुत सही जगह है यार. और शायद राइट साइड में गेहूं उगा हुआ है गर्मियों के टाइम पर. पर यहां की गर्मी अपने सर्दियों जैसी होती है. अभी हम थोड़े से ऑफ रोड हो गए हैं. ऑफ रोड कैसे? जो मेन हाईवे था जिस डायरेक्शन में मुझे जाना था नोवोसिबिर्स्क की तरफ, उससे अलग आ गए हैं. एलेक्स मुझे एक जगह दिखाना चाह रहे थे. रोशन? क्रासिवा. क्रासिवा? हाँ. क्रासिवा मीन्स ब्यूटीफुल. क्रासिवा ब्यूटीफुल. ब्यूटीफुल नहीं है क्रासिवा. तो अभी वहीं पे कुछ देखने जा रहे हैं. अभी मुझे नहीं पता कि वो कौन सी जगह है, क्या जगह है. सब मेरे लिए सरप्राइज है. और यही मजे होते हैं हिचहाइकिंग के. आपको नहीं पता कि आपको क्या मिलने वाला है, लेकिन जो भी मिलता है. जिनमो तोल को स्नेक. तोल के स्नेक. तोल के स्नेक. हां जिनमो तोल को स्नेक मतलब कि सर्दियों में यहाँ पर सिर्फ बर्फ होती है. तो ये एलेक्स कह रहे कि हाँ बर्फ के अलावा यहाँ पर कुछ भी नहीं होता है. और अभी सब कुछ हरा भरा हो रखा है. एक अलग कॉन्ट्रास्ट तो है यार. अभी हम जा रहे हैं जो एलेक्स है इनकी वाइफ को पिकअप कर लें. फादर इन लॉ. एलेक्स के ससुराल में आ गए हैं. Hello. Andre. Привет. Yes. Andre. Hello. Mother-in-law. Yeah. Привет. It's my son Nick. Your son? Yeah. Why? Hello. Привет. Yeah, Hello. Hello. Something to food. Yeah. Спасибо. तो ये है गाइस रशियन हॉस्पिटैलिटी. और इसीलिए मुझे हिचहाइकिंग पसंद है, क्योंकि जो यहाँ के लोकल लोग हैं
उनसे और ज़्यादा जुड़ने का मौका मिलता है मेरे को हिच हाइकिंग के थ्रू. और हिच हाइकिंग जैसे अच्छे एक्सपीरियंस आपको कहीं पे भी नहीं मिल सकते. इंग्लिश के नया मीट चिकन. Ну да, да, типа да, того. Да, да. Как дерево, когда? Баум. Ольха. Open fire. Open fire, барбик? Да, да. Дым, дым, дым. Like round, round and round, round. Капучение. Ветки ольхи. एलएस के जो ससुर हैं उन्होंने ये चिकन बनाया हुआ है, लेकिन इस वो समझा नहीं पा रहे हैं कि किस प्रोसीजर से बनाया है. रुस्की प्लॉक हुआ. दा 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 जिमी जिमी इंडियस्की एक्टर खरोश है. बिग मैन. Взрыв, взрыв. Жираф. А. Теория. Теории. Ну там. Биг. Взрыв. То есть юмористический сериал. О, да? Радж Кутрапали. Кутрапали, да. Кутрапали, да. Биг Бэнг Теори. Да, да, да. Биг Бэнг Теори देख रहे हो. Радж Кутрапали देखा होगा ये सीन. Так тоскливо, безлюдно. Чёрт, да. Спасибо. Так. О, чикен, да. А там вот эти веточки. А. И, окей. Мы जो चिकन था ना इधर बनाया हुआ था उन्होंने. और एक छोटा सा किचन गार्डन. Тут томаты. Томатос? Томата. Хорошо. Тут перцы и баклажаны. Пеппер. Паприка? Угу. А это, я не знаю, как. Бай бэнган уга рахе ghar pe. Мирчи уга рахе. Ор аге фир шимла мирч hai. Thodi si duri mein sare sukh kar rakhe hain. Прудик такой. Фиш. Фиш? Да, куэк-куэк. Да, малина. Малина? Малина. Шад, расбери. Ой, бай. Йеллоубери. Хорошо, очень хорошо. Спасибо, до свидания. Thanks a lot, Alex. Thank you. Спасибо. You're welcome. Спасибо. Thank you. До свидания. Bye-bye. This side, yeah? Yeah, yeah. Okay. Okay, bye-bye. हमारा साथ यहीं तक था और एलेक्स भाई चले जाएंगे उधर, मैं जाऊंगा इधर. नहीं भाई नहीं, दूसरी लिफ्ट नहीं मिल रही है. कितनी देर लगेगी पता नहीं भाई. Omsk? Tyumen? Tyumen? Kya? Spasibo. Bhai Tyumen ke lift mil gayi hai. Bhago abhi. Spasibo. Ну что, ты куда едешь? India. India? Да.
आप कुछ या येकटेरिनबर्ग मस्को यार मस्को एमिया एना एडम एडम दीपांशु बस फाइनली मुझे लिफ्ट मिल गई है और अभी वाली लिफ्ट दी है एडम भाई ने अपने ट्रक में और ये वाली लिफ्ट लगभग ऑलमोस्ट 300 किलोमीटर्स के लिए है और अब शुरू हो गया है हमारी जर्नी का जो सबसे मजेदार पड़ाव होता है एडम भाई हैं चेचनिया से ग्रोजनी पतस्ती है मतलब कि एडम भाई वैसे तो है ग्रोजनी के जो चेचनिया की कैपिटल है लेकिन रबोता थ्रूमैन घंटे तक के दिन हो जाते हैं कई जगह तो रात होती ही नहीं है जैसे मुरमंस में भाई आधे घंटे की रात हो गई या मैक्सिमम एक घंटे की रात हो गई और वहीं सर्दियों में फिर एकदम उल्टा हो जाता है रातें बहुत बड़ी हो जाती हैं लोग तरस जाते हैं दिन को हिंदी चेचनिया प्रीवियत Assalamualaikum. Oh, Assalamualaikum. Spansky? Yeah, похож, да. Да? Да. Индийский, это... А еще какие там есть? Буддисты есть, да? Хинду. Хинду? Спасибо. Bye-bye. अभी आगे शहर में भी तो पहुंचना है मुझे रोक लो यार सिर्फ 20 किलोमीटर बचा है भाई आधा घंटा रुकने के बाद फाइनली भाई ने गाड़ी रोक ली ते इमिया विक्टर दीपांशु तिउमेन तो विक्टर भाई ने गाड़ी रोक ली और अब विक्टर भाई मुझे स्टेशन पे छोड़ देंगे सेम प्रिवेट तो अब आपको असली बात बताता हूँ कि दिक्कत क्या हो गई है दिक्कत हो रखी है बहुत बड़ी नोवोसिबिर्स्क से जो मंगोलिया का रास्ता है वो है 900 किलोमीटर्स का और ये बात मैंने परसों ढंग से कोई पता नहीं कोई डिस्टेंस देखा था और वो मेरे दिमाग में 300 किलोमीटर था और इसी चक्कर में मैं डिस्टेंस को थोड़ा हल्के में ले रहा था कि भाई नोवोसिबिर्स्क तक तो कोई दिक्कत नहीं है आगे मैं जल्दी कर लूँगा क्योंकि अगर आगे मेरे पास एक दिन पूरा होगा ना तो भी मैं उस डिस्टेंस को ढंग से कवर कर लूँगा अब जब रास्ते में मैंने डिस्टेंस देखा तब पता चला कि नोवोसिबिर्स्क से जो बॉर्डर है वो 900 किलोमीटर रह जाता है और अभी भी नोवोसिबिर्स्क यहाँ से 1500 किलोमीटर बचा हुआ है तो बॉर्डर यहाँ से ऑलमोस्ट 2300 किलोमीटर बचा हुआ है और मेरे पास हैं 2300 किलोमीटर कवर करने के लिए